मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात् तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। एक घटना और सुनाऊंगा आपको, सच्ची घटना, इनसे विश्वास होता भगवान में। कलकत्ते वाले जानते होंगे सर कैलाश चंद्र बोस को, डॉक्टर कैलाश बाबू जानते होंगे लोग। ये कैलाश बाबू की अपनी कही हुई बात है। उनने कहा कि मेरी माँ बीमार, बुढ़ी माँ रात को मरना सन्न हो गई, अब मरे ये माँ की दशा। तो मैं माँ के पास बैठा और मैंने माँ से यूं ही पूछ लिया कि माँ जी कोई चीज की मन में आपके हो तो मंगवा दें। अब माँ जी ने तो अजब चीज कह दी। माँ जी ने कह दिया कि भाई अंजीर मिलता तो खा लेती, अंजीर। ये आज से लगभग 50-55 साल पहले की बात है। उस समय हवाई जहाज नहीं था, उस समय बंबई कलकत्ते रेल जाने आने में लगते थे 4 दिन, और कलकत्ते में अंजीर मिलता नहीं था, अब तो बहुत मिलता है। तो इन्होंने आदमी भेजा, कहा 1000 रुपया लग जाए कहीं से अंजीर मिले। अंजीर नहीं मिला। तो कैलाश बाबू ने कहा कि मैं उदास हो गया कि मेरे पास इतने रुपए और माँ मर रही, और माँ की मामूली अंतिम इच्छा वो मैं पूरी नहीं कर सका, हे भगवान। अब बोले मैं रोने लगा, भगवान को याद करने लगा। रात के 11 बजे मैं रो रहा याद कर रहा भगवान को। रात के 11 बजे नीचे से एक जमादार ने आवाज दी, डॉक्टर बाबू। तो मैंने सोचा कि किसी रोगी के यहाँ का कोई बुलावा होगा। मैं दुखी था तो मैंने झुंझला के कह दिया कि नहीं खोलेंगे किमार, हमारी माँ बीमार है। तो उसने कहा नीचे से कि बाबू जी एक विशेष जरूरी काम है। तो बोले मैंने ये कहा कि भाई कोई बीमार हो किसी और डॉक्टर को बुलवा लो, मैं नहीं आता अभी। उसने कहा कि बाबूजी बीमार कोई नहीं है, मैं एक चीज लेके आया हूं। तब मैंने किमाड़ खोले तो वहां पर पहले एक फार्म था त्रिभुवन दास हीराचंद कोई था, उनके उनके पूर्वज की कोई बात है, अब वो फार्म है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहा कि बंबई से वो सेठ आए थे, रात को 8 बजे पहुंचे, तो सवेरे ही वो रंगून जा रहे थे। उनके पास एक अंजीर की टोकरी थी, बंबई से लाए थे 4 दिन पहले। डॉक्टर से बड़ा काम, बड़ा बड़ा प्रेम था, तो सोचा कि सवेरे तो हम 6 बजे यहाँ से चले ही जाएंगे, ये रात को ही भेज दें। तो अंजीर की टोकरी लेकर के वो जमादार आया था। जब उसने मुझे अंजीर की टोकरी दी तो बोले मेरे हृदय में तो मुझे तो भगवान से मिलने से बढ़कर आनंद हो गया। अब मैं नहीं सोचता, नहीं समझता कि ये व्यवस्था कैसे हुई। माँ मांगती है 4 दिन के बाद, मैं अंजीर के लिए रोता हूँ 4 दिन के बाद, और अंजीर वहां से चलता है 4 दिन के पहले। एक बार की बात है कि विश्वास की बात में सुनाता हूँ आपको। कृष्णकांत मालवी, ये मालवी जी के भतीजे, ये इलाहाबाद जेल से, जेल में थे राजनीतिक कारणों से, जेल से ट्रांसफर होकर
ये बस्ती जा रहे, तो मेरा इनके पास तार आया कि हम ट्रांसफर होके बस्ती जा रहे हैं और हमारे लिए खाने का सामान आप रेल पर भेज दीजिए। मेरे पास तार आया, तो क्या हुआ कि तार आया प्रेस में। अब तो हमारे प्रेस से और बगीचे में टेलीफोन है, अब वहां पर सवारी मिलती। उस समय मैं था इस बगीचे में नहीं था, गोरखनाथ से पर दूसरा बगीचा वहां रहता था, वहां न सवारी मिले न टेलीफोन। प्रेस वालों ने क्या भूल की कि तार को पढ़ करके मेरे पास भेज दिया। उनको चाहिए था कि वे व्यवस्था करके भेज देते। अब गाड़ी आने में कुल 15 मिनट की देर, और मेरे पास तार देखे आदमी आया, तो मुझे प्रेस वालों पर बड़ा गुस्सा आया। अपने मन की बात कहता हूँ कि ऐसे बेसमझ हैं कि मेरे पास तार भेज दिया, अरे मेरे पास क्या कोई बनाई चीज रखी है और कोई सवारी नहीं, मेरे पास सामान नहीं बना हुआ, गाड़ी आ रही है। तो इतने में देखता हूँ, इतने में मैंने कोई प्रार्थना वार्थना नहीं की, इतने में देखता हूँ कि 2 इक्के आए और 2 इक्कों पर मिठाई पूरी साग फल सब भरे हुए, और ये कहा कि बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जी के यहाँ कोई आज प्रसाद था या क्या था तो उन्होंने भेजा है। वही इक्के और वही सामान जो कहा तो मैंने आदमी साथ देके भेज दिया स्टेशन। गाड़ी 20 मिनट लेट आई और कृष्णकांत जी अकेले नहीं थे, तो 16 आदमी थे। 16 आदमियों ने मजे में खा लिया, टाइम पर पहुंच गया। अब ये किसने भिजवाया बताइए, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मैंने मन में सोचा नहीं था। अगर वो 1 घंटे बाद आता इक्का तो काम नहीं आता, और पहले आ गया होता उसे हम बरसा देते तो काम नहीं आता। इक्के पर आया, साथ लेकर के आया और गाड़ी लेट हो गई, सबने खा लिया। ये मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग जो है ना ये अविश्वासी हैं, हमें जो मिलना है और हमें जो मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था हमारे लिए पहले से पहले हुई रखी है। इसीलिए तो सकाम कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। अरे जो मिलना है, जैसे दुख अपने आप आता है वैसे सुख भी अपने आप आता है, और उसकी व्यवस्था पहले से पहले हुई रखी है। उन्हीं मुलर साहब ने ये बात लिखी, वो ठीक ऐसी ही बात है इसी तरह की भोजन की। मुलर साहब के अनाथाश्रम में 250 अनाथ, अब एक दिन उनके पास अनाज नहीं, रसोई नहीं बनी, तो 10 बजे घंटी बजती थी अनाथों के लिए आखिरी, तो 10 बजे आके सब बैठ जाते थे खाने को। पहली घंटी बजती थी 9:45 तो रसोईया आया, उसने कहा कि आज तो कुछ बना बनाया है नहीं, हम क्या करें। तो मुरल ने कहा घंटी बजा दो। रसोईये के मन में आया घंटी बजा दे खाएंगे क्या, घंटी बजा दी। जब 5 मिनट कम रहे तो दूसरी घंटी बजती थी, तब फिर आया बोले अब क्या करूं, अब तो 5 मिनट बाकी है, बोले बजाओ घंटी। घंटी बज गई, अब आखिरी घंटी बजनी है 10 बजे। 10 बजे वो फिर आया, बोले अब क्या करूं, तो क्या पूछते क्या हो घंटी बजाओ। उसने सोचा कि कैसी कि साहब का मन दिमाग खराब हो गया है कि ये घंटी बजा दूंगा मैं और तमाम वो अनाथ विद्यार्थी 250 आगे बैठ जाएंगे, उसको उनको मैं परोसूंगा क्या। बस घंटी बजी, उसने झुंझला के बजाई, बोले आज देखना मुरल साहब को इनको क्या खाने को देंगे। घंटी बजी, अनाथ आगे बैठे और गाड़ियों पर सामान आ गया। उसने ये बताया कि अमुक होटल में पार्टी थी आज, वो पार्टी किसी कारण से नहीं हुई, तो हमारे मालिक ने ये कहा कि भाई 10 बजे से पहले पहले ले जाओ वहां पर तो काम आ जाए। तो सारा सामान हम लेकर के आए हैं, तो जो का तो सामान परस दिया गया, सब ने खा लिया। बताइए ये व्यवस्था किसने की, हमने की, उसने की, मुलर साहब ने की। तो अगर हम भगवान पर विश्वास करें, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में कई घटी हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो
इतना बता दिया ना, इतना बता दिया कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुतों घटी हैं, बहुतों घटी हैं, सब जगह आप लोग घटी होंगी, हम लोग देखते नहीं हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने की, कामना करने की आवश्यकता नहीं। अगर अब भगवान देखते हैं कि इसको अमुक चीज देने में इसका लाभ है तो पैसे व्यवस्था करके दे देंगे। अगर भगवान देखेंगे कि न देने में लाभ है, इसका लाभ है, इसके बेइज्जती में इसका लाभ है, तो नहीं देंगे और बूढ़े हंसते हुए देखते रहेंगे कि इसकी दवा ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। वो दवा देते हैं भगवान, कहीं वैसी कहीं वैसी। तो इसलिए भगवान धन भी देते हैं, भगवान आके नौकर का काम भी करते हैं और भगवान धन को हर भी लेते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कृपा पर विश्वास करें। अब तीसरा प्रश्न है, सांप और बाघ के मुंह में भी भगवान की कृपा का दर्शन कैसे करें? यही बात भगवान ने कही है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। ये भगवान ने कहा कि मौत मैं हूं। अरे सांप और बाघ के मुंह में क्या है, मौत ही तो है, वो खा रहे हैं ना। तो ये समझे कि सांप और बाघ मुझे खा के समाप्त कर देंगे इस शरीर को, और मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। बड़ी कृपा भगवान की कि मुझे अपने धाम में बुला रहे हैं। ये भावना अगर कर ले तो कृपा समझी कि नहीं समझी? अरे सांप और बाघ का मुंह तो मौत ही है ना। देख दुख का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें, मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें, एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम, सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं, मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करनाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें, मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। हे प्रभु, आप बाघ के मुंह में, बाघ का मुंह बन करके आए हैं, आप सांप का जहर बन करके आए। ये प्रहलाद ने कही, जब सांपों ने डसा तब प्रहलाद ने कहा ये कि सांप में हमारे भगवान हैं। ये चीज तो वहां भगवान की कृपा इस प्रकार माने। अच्छा, भगवान के लिए प्राण छटपटाने क्यों कर लगे, उनके एकांत लालसा कैसे हो, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। सबके जीवन में यही बात आनी चाहिए। ये बात अगर आपके मन में ठीक प्रकट हो गई है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। भगवान के लिए प्राणों में छटपटाहट कैसे पैदा हो, और भगवान के लिए एकांत लालसा कैसे हो, ये प्रश्न ही भगवत कृपा के सूचक है। अगर सच्ची बात है तो हमारे तो मनों में ये प्रश्न आता नहीं, हम तो ये प्रश्न रात दिन देखते हैं और मानते हैं, करते हैं कि ये भगवान कैसे हमारे संसार में हमारा काम तुम पूरा कर दिया करो, हमारा युग क्षेम खूब निभे, किस प्रकार से हमें जगत में सुख मिले, किस प्रकार से जगत की वस्तुएं हमारे पास रहें, किस प्रकार से और आ जाएं, और बढ़ जाएं, और मिल जाएं, हम तो यही चाह करते हैं। तो ये प्रश्न अगर उत्पन्न किसी के मन में हो जाए और वो अगर इस बात में संलग्न हो जाए कि मेरे प्राण है भगवान, कब छटपटाएंगे आपको मिलने के लिए, ये साधन है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये जो लिखता है कहता है
ये छटपटाहट ठीक चाहता है क्या? मन में ये बीमारी चाहता है क्या? ये बीमारी है। भगवान के अमिलन का जो ताप है, भगवान के न मिलने की जो वेदना है, ये वेदना सबसे बड़ी वेदना है। और ये वेदना जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वो महान भाग्यवान है। ये हमारे बल्लभ संप्रदाय के महात्मा लोग तो कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए ताप की आवश्यकता है। जब तक हृदय में ताप नहीं होगा, भगवान के न मिलने की दुख की आग जल न उठेगी। और वो आग भगवान के मिलन की आग जब हृदय की सारी कामनाओं को, वासनाओं को, बाहरी सारी ममताओं को फूंक न डालेगी, तब तक भगवान नहीं मिलती। सच्ची बात है। सारी कामना वासना, सारा ममत्व, ये भगवान को मिलने की कामना अगर खा जाए, आग लग जाए, और ये आग अगर सबको स्वाहा कर दे। उस दिन मैंने कहा था, कड़ी चीज तो है, भगवान का प्रेम उन्हीं को प्राप्त होता है कि जो सब कुछ जलाकर उसकी खाक में, उसकी खाक को अंगों में, रंगों अंग में रमाकर उस खाक पर नाशा करते हैं, उनको भगवान का प्रेम मिलता है। जलाना नहीं पड़ता कुछ भी, जो अपनापन जो स्पर्श है उसको जला देना पड़ता है। ये जो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस मेरे में आग लग जाती है, फिर मेरा न कोई रहे और न मेरा बनाने की चाह रहे। हम लोगों की तो ये बात है, हम लोग सारे जगत को खा करके भी फिर भी चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए। महाशनो महापापमा दिनम, भगवान ने कहा ये जो कामना है ये महाशन है, इसको खाते खाते इसका कभी पेट भरते ही नहीं। इसलिए ये चाह आपकी बड़ी उत्तम है। और ये चाह अगर है, अगर है, तो भगवान इस चाह को पूरी करने के लिए बाध्य है। पर चाह भगवान देखेंगे और परखेंगे, चाह होगी तो पूरी कर देंगे। और बीच में अगर कहीं धन की चाह हो गई, बीच में अगर कहीं विपत्ति से छूटने की चाह हो गई, बीच में अगर उसके लिए कहीं चिट्ठी उठी डालने की, लॉटरी फेंकने की चाह होगी, जैसा लिखा था आपने हमको, तब तो भैया फिर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अकिंचन वित्त है, अकिंचन नमो अकिंचन वित्ताय, जो अपने पास कुछ नहीं रखता उसके भगवान हो जाते हैं। और भगवान आश्चर्य कर्मणे हैं, भगवान के नाम आश्चर्य कर्मणे, जो काम कोई नहीं कर सकता, जिसको देख के मालूम होता कि जादू हो गया, तिलस्म हो गया, क्या हो गया, ऐसा काम भगवान कर देते हैं जादू की तरह से। परंतु भगवान करते हैं कब? जब एकमात्र भगवान पर ही मनुष्य निर्भर करता, उनके लिए छटपटाता है, तब उसका भार वो ले लेते हैं। ये इसका उत्तर सर। कान के पत्र में आपने लिखा था कि जो संसार में पड़े हुए महान दुख पाते रहते हैं, संशय भ्रम रूपी हजारों बिच्छू जिनको काटते रहते हैं, उनके सब प्रकार के दुख संत संत मिला देते हैं। ये बात तो ठीक है, संत मिला देते, संत लोग जो हैं वो दूर कर देते हैं उन दुखों को। तो इसमें यही बात है जो हमने कही थी पहले, आपको संत मिल जाए और मिलने पर अगर संत पर विश्वास हो जाए और संत के को सब कुछ अपना दे दिया जाए, धनवन नहीं, जो संत संत शिष्य से धन स्त्री मान इत्यादि मांगते हैं, वहां तो जरा संदेह कर लेना चाहिए। यद्यपि संत की सेवा में अगर हमारा धन लग जाए तो हमारे धन की सार्थकता है, परंतु मांगने वाले जो संत हैं, अभी आज दोपहर कोई एक दो भाई आए थे मेरे पास, कोई विद्यार्थी थे, उन्होंने ये बताया कि भाई एक कहीं संत आए और उन संत ने सबको बैठा लिया, सबको जल देते गए और कहते तुम हमारे चेले, तुम चेले तो तुम्हारा पाप हमने लिया, तुम चेले तुम्हारा पाप हमने, तुम चेले हमारा तुम्हारा पाप हमने लिया। और फिर
उनसे सब कुछ मांगने लगे वो, और गांव वाले सब तो बोले उनकी कोपिन धो धो करके लोग पीने लगे। ये जो अनाचार है ना, इसलिए सावधान रहे। पर संत यदि कोई है और संत अगर मिल गए, पर संत से यदि आपका संपर्क हो गया और विश्वास हो गया, तो आपके सारी अशांति के जो कारण हैं वो दूर हो जाएंगे। धन चाहे न मिले, पर धन मिलने की जो आपके मन में जलन है वो दूर हो जाएगी, बात शांति से। अब ये लिखा आपने अंतिम बात, उसका उत्तर मैं देता हूँ साफ तौर पर। आपने लिखा कि मैं आपको संत मान करके आप शरण में आऊंगा, ये सर्वथा झूठ है, इस बहम को आप निकाल दीजिए। मैं सोगन खा के कहता हूँ मैं संत नहीं हूँ, मेरे में इतने दुर्गुण हैं, इतने दोष हैं जो शायद आप लोगों में नहीं होंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे निभा रहे हैं। मुझे संत मानने वालों को मैं सावधान कर देता हूँ कि मुझे अगर वो संत मानेंगे तो भूल में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। कमजोर प्राणी हूँ मैं, मेरे जीवन में मेरे क्या क्या दोष हैं, क्या क्या मेरे कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इनको मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। मैं अपनी दुर्बलताओं को देखकर, कमजोरियों को देखकर साफ तौर से घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मुझे संत मानने वाले सर्वथा सर्वथा भूल में हैं और उनको नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल संत कोई होंगे, संत जो होते हैं उनको मानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। मैं किसी का कोई संत बने के नाते भला नहीं कर सकता, संत बना मेरे में है ही नहीं। सलाह दूंगा मित्रता के नाते, बता दूंगा, पर बिल्कुल बिल्कुल हरगिज संत नहीं, महापुरुष नहीं, महात्मा नहीं, कुछ नहीं, साधारण प्राणी कमजोरियों से भरा हुआ। आपको महाराज क्या पता है मेरे मन में क्या क्या दोष आते हैं, क्या क्या दोष थे मेरे मन में, आप कोई नहीं जानते, इन सत्य कहता हूँ। इसलिए संत मुझको तो कोई मानता हो, आपने ये लिखा है तो मैं नहीं कहता इतनी बात, ये कहना भी अपना विज्ञापन करना है। और इस कहने में भी शायद वासना मन में होगी कि कितना अच्छा आदमी है जो अपने को संत नहीं मानने कहता, इसको संत मानना चाहिए, ये वासना मन में रह सकती है। अपने अपनी बड़ाई का विरोध करने में भी बड़ाई की इच्छा रह सकती है, तो अंतर्यामी जानते हैं मेरे मन में क्या है, बड़ाई की इच्छा है या नहीं, पर रह सकती है, अंतर्यामी जानते हैं, हो सकती है। तो इसलिए ये बात आपने लिखी, इसलिए कह दी, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर संत है कोई, और अगर संत का कोई ठीक विश्वासी है, और अगर संत को संत ठीक मानता है, और अगर उसके संपर्क में आ गया है, तो उसके दुखों का नाश अवश्य होना चाहिए। ये शास्त्र का, शास्त्र के वचन है। ये स्कंद पुराण में आया, एक कथा आई, स्कंद के संत किसी के पास खड़े हुए थे और उनके सामने वो मर गया, संत ने उसके हाथ, अपने हाथ से उसकी चिता जला दी, उसका उद्धार हो गया। तो संत का मिलन, संत का दर्शन, संत की प्राप्ति, ये अमोघ है, हैं? अमोघ है, दुर्लभ हो गम्यो मोघश्च, नारद जी का सूत्र है कि संत का प्राप्त होना दुर्लभ, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का प्राप्त होना भगवान की कृपा से होता है, यो संत गई गरी नहीं फिरते, और फिरते हैं तो अगम्य हमें पहचानते नहीं है। संत का मिलना मुश्किल और मिलने पर संत को पहचान लेना बड़ा मुश्किल। हम अपने कांटे पर संत को जब तोड़ने जाएंगे तो संत नहीं तोड़ेगा, लेकिन संत का अगर मिलन हो गया वास्तव में तो अमोघ है। ये नारद जी के वचन है, मेरे वचन नहीं। दुर्लभो गम्यो अमोघश्च, संत की प्राप्ति दुर्लभ है और संत की प्राप्ति अगम्य है, पहचान में नहीं आती, और संत की प्राप्ति अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब इसका कुछ भी अर्थ लगा रहे, कोई ये माने कि भगवत प्राप्ति के सब कुछ व्यर्थ ही है, वो तो अर्थ लगावेगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जो कुछ भी प्राप्त होने को ही मान लेता है कि भाई व्यर्थ नहीं, कुछ तो मिल गया, वैसा अर्थ लगावे, उसके लिए ये अर्थ हो सकता है कि भाई संत के मिलने से कुछ अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, कुछ भाव अच्छा हो जाएगा। ये अपने अपने भाव से अर्थ लगाने, वो अर्थ भी लगावे तभी हज नहीं है। तो संत मिलन का फल तो ये अमोघ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आपके पांचों प्रश्नों का उत्तर है।
तो ये कौन कहता है क्या झूठ कहते हैं? भगवान ने कहा प्रकाश करता है वो मेरे को बड़ा भारी प्यारा। बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे मन की तो मैं जानता हूँ ना, आपको क्या पता है? मैं गीता का प्रचार करता हूँ या अपना प्रचार करता हूँ ये कौन जानते हैं आप? गीता का प्रचार करता हूँ यदि आप देखिए देखिए आप कीजिए मत। देखिए ऐसी बात है, देखिए ऐसी बात है कि गीता का जो प्रचार करता है उसके लिए ऐसी बात है, पर गीता के प्रचार के नाम पर मैं अगर अपना प्रचार करता हूँ तो आप क्या पता है? ये मैं और कहता हूँ आपसे, आजकल बहुत जगह और बहुत स्थानों में भगवान के नाम पर व्यक्तित्व का प्रचार होता है, भगवान की पूजा के नाम पर अपनी पूजा की चाह होती है, अपनी पूजा प्रकारांतर से करवाई जाती है। तो आपको क्या पता मेरे मन का क्या भाव है? आपका कहना ठीक है,